हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सर पूर्णिमा। टुडे विल डिस्कस अबाउट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सिलेबस फॉर बीएससी नर्सिंग सिक्स सेमेस्टर। सो लेट स्टार्ट। आज हम बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सिलेबस की, जो कि बीएससी नर्सिंग सिक्स सेमेस्टर में एज ए सब्जेक्ट पढ़ना है। फिफ्थ सेमेस्टर में हमने पढ़ा था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, और यहाँ पर सिक्स सेमेस्टर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकेंड पढ़ना है। सो फिफ्थ सेमेस्टर में जो हमने पढ़ा था, उसमें बेसिकली चाइल्ड हेल्थ का इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे, प्रिंसिपल्स, ट्रेंड्स, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में क्या हो रहे हैं, इसके अलावा बेसिक केयर थे, नेशनल पॉलिसीज एंड चाइल्ड हेल्थ पॉलिसीज, न्यूट्रिशनल पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। यहाँ पर बीएससी नर्सिंग सिक्स सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे बेसिकली डिजीज के बारे में, डिजीज कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, और उनका मैनेजमेंट पढ़ेंगे डिटेल में। सो स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में टोटल 3 यूनिट पढ़ने हैं। सो यूनिट बाय यूनिट हम देखते हैं कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सिस्टम वाइज डिजीज कंडीशंस आपको पढ़ने हैं, डिजीज के बारे में डिटेल में पढ़ना है, और उनका मैनेजमेंट पढ़ना है। सो मैनेजमेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट भी पढ़ना है डिटेल में। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कंजेनेटल मालफॉर्मेशंस, कंजेनेटल हार्ट डिजीज। कंजेनेटल हार्ट डिजीज में साइनोटिक एंड ए साइनोटिक दोनों आपको पढ़ने हैं, जिसमें ASD, VST, PDA, TOF सभी डिजीज कंडीशंस के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इनका मैनेजमेंट भी पढ़ना है, नर्सिंग मैनेजमेंट भी पढ़ना है आपको। अदर्स में रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलर, ये सारे डिजीज कंडीशंस पढ़ना है। हेमेटोलॉजिकल कंडीशंस में कंजेनाइटल्स में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया पढ़ना है। अदर्स में एनीमिया, ल्यूकेमिया, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, परप्यूरा, हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सभी का आपको डिटेल में डिजीज कंडीशंस पढ़ने हैं, उनका नर्सिंग मैनेजमेंट भी पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस, कंजेनाइटल में जिसमें आपको पढ़ना है क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, हर्शप्रंग डिजीज, मेगाकोलन जिसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में डिफरेंस पूछा जाता है। इसके अलावा एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, मालअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, हर्निया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें। से गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, इसके अलावा हार्ट डिजीज से भी क्वेश्चन आते हैं, पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से भी सेप्टल डिफेक्ट्स जो हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिजीज में से पूछा जाता है, सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में आपको पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस, इसमें कंजेनाइटल में विम्स ट्यूमर के बारे में आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट, एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर, हाइपोस्पेडियास, एपिस्पेडियास, इसमें डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है। अदर्स में नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो कि इंपॉर्टेंट है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल फेलर, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस, कंजेनाइटल में स्पाइना बाइफिडा एंड हाइड्रोसिफेलस, डिटेल में पढ़ना है आपको, दोनों इंपॉर्टेंट है। अदर्स में मेनिनजाइटिस, इंसेफलाइटिस, कन्वल्जिव डिसऑर्डर्स, कन्वल्जेंस एंड सीजर्स पढ़ना है, सेरेब्रल पैल्सी, हेड इंजरी, सबके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। सभी का आपको नर्सिंग मैनेजमेंट भी पढ़ना है डिटेल में, और एग्जाम में जब भी पूछा जाता है डिजीज कंडीशंस, उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट आपको जरूर लिखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट आर्थोपेडिक डिसऑर्डर। आर्थोपेडिक डिसऑर्डर में पढ़ना है क्लब फुट के बारे में। नेक्स्ट हिप डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ आई, ईयर एंड स्किन, जिसमें रेफ्रैक्टरी ईयर पढ़ना है, ओटाइटिस मीडिया एंड एटॉपिक डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीजेज इन चिल्ड्रेन। कम्युनिकेबल डिजीजेज में पढ़ना है ट्यूबरकुलोसिस, डिफ्थीरिया, टिटनेस, पर्टोसिस, पोलियोमेलाइटिस, मीजल्स, मॉम्स, चिकन पॉक्स, HIV एड्स के बारे में, डेंगू फीवर एंड COVID-19 नया ऐड हुआ है। सो कम्युनिकेबल डिजीज में सभी का आपको आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल, इन होम एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन पढ़ना है, सभी कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट, थर्ड एंड लास्ट यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रेन, जिसमें चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक के बारे में डिटेल में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक पर नोट्स पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है आपका। नेक्स्ट कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन एंड मैनेजमेंट। कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर रहेंगे, तो एनोरेक्सिस एंड एनकोप्रेसिस,
nervousness, nail biting, thumb sucking, temper tantrum, stealing, aggressiveness, juvenile delinquency, school phobia and learning disability. सभी का आपको मैनेजमेंट भी पढ़ना है. नेक्स्ट है साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन एंड मैनेजमेंट. साइकेट्रिक डिसऑर्डर में रहेगा चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया, चाइल्डहुड डिप्रेशन, कन्वर्जन रिएक्शन, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स एंड ईटिंग डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन एंड मैनेजमेंट में ओबेसिटी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ चैलेंज चिल्ड्रेन जिसमें मेंटली चैलेंज, फिजिकली, सोशली एंड चाइल्ड अब्यूज एंड लास्ट में सबस्टांस अब्यूज. सभी के बारे में पढ़ना है आपको, मैनेजमेंट पढ़ना है सबका. नेक्स्ट एंड लास्ट वेलफेयर सर्विसेज फॉर चैलेंज चिल्ड्रेन इन इंडिया. इंडिया में वेलफेयर सर्विसेज कौन कौन से चल रहे हैं जो कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, चाइल्ड अब्यूज एंड सबस्टांस अब्यूज चैलेंज चिल्ड्रेन के लिए हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है. सो ये 3 यूनिट आपको पढ़ना है 6 सेमेस्टर में एज ए सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में, जिसमें सभी डिजीज कंडीशंस आपको पढ़ने हैं सिस्टम वाइज. उसमें सभी का आपको नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट एग्जाम में पूछा जाता है. सो ये सिलेबस था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को. इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. थैंक यू.